दोस्तों इस वीडियो में प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़े हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानेंगे सही और गलत परिणाम कब आते हैं गर्भावस्था का परीक्षण यानी प्रेगनेंसी टेस्ट हर महिला के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है यह न केवल आपके स्वास्थ्य का संकेत देता है बल्कि आपके जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है लेकिन क्या हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट का परिणाम सही आता है कई बार टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद गर्भधारण नहीं होता और नेगेटिव होने पर भी गर्भावस्था हो सकती है जी हाँ इसीलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे प्रेगनेंसी टेस्ट का विज्ञान सही परिणाम कब आते हैं गलत परिणाम क्यों आते हैं परीक्षण के सही समय और तरीके अन्य कारक जो टेस्ट को प्रभावित करते हैं डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके सभी सवालों का समाधान हो सके सबसे पहले जानते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट का विज्ञान प्रेग्नेंसी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है शरीर में एच सी जी ह्यूमन चोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन का पता लगाना एच सी जी क्या है यह हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान बनता है जब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है तो प्लेसेंटा एच सी जी का उत्पादन शुरू करता है यह हार्मोन गर्भधारण के छह से बारह दिनों के भीतर पेशाब और खून में दिखना शुरू हो जाता है प्रेग्नेंसी टेस्ट कैसे काम करता है यह पेशाब में एच की मौजूदगी का पता लगाता है अगर एच सी होता है तो टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है नहीं तो नेगेटिव दिखाता है ब्लड टेस्ट रक्त परीक्षण यह एच की मात्रा का सटीक माप देता है ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के सही परिणाम कब आते हैं सही परिणाम प्राप्त करने के लिए समय और प्रक्रिया का सही होना बेहद महत्वपूर्ण है सही समय पीरियड मिस होने के बाद अगर आप नियमित मासिक धर्म चक्र 28-30 दिन का पालन करती है तो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद टेस्ट करना सबसे सही समय है सुबह का पहला पेशाब सुबह के पहले यूरिन में एच का स्तर सबसे ज्यादा होता है सही तरीके हमेशा टेस्ट किट के निर्देशों का पालन करें, किट की एक्सपायरी डेट चेक करें पर्याप्त पेशाब का सैंपल लें सही समय पर परिणाम पर पर को पढ़ें प्रेग्नेंसी टेस्ट के गलत परिणाम क्यों आते हैं फॉल्स पॉजिटिव गलत सकारात्मक परिणाम कभी कभी टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है जबकि महिला गर्भवती नहीं होती इसके कारण हाल का गर्भपात या मिसकैरेज शरीर में एच हार्मोन कुछ हफ्तों तक बना रह सकता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एच युक्त दवाएं टेस्ट को प्रभावित कर सकती है किट की खराबी एक्सपायर्ड या गलत तरीके से स्टोर की गई किट कुछ मेडिकल कंडीशंस, ओवरी या प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याएं फॉल्स नेगेटिव गलत नकारात्मक परिणाम कई बार गर्भावस्था के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आता है इसके कारण जल्दी परीक्षण करना एच का स्तर पर्याप्त नहीं होता पानी अधिक पीना यूरिन में एच की सांद्रता कम हो जाती है अनियमित मासिक चक्र ओव्यूलेशन देर से होने के कारण एच बनने में समय लग सकता है कौन कौन से कारक टेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं सही समय का न होना अगर आपका मासिक धर्म अनियमित है तो पीरियड मिस होने के कम से कम 21 दिन बाद टेस्ट करें दो दवाइयाँ, गर्भावस्था के लिए ली जाने वाली फर्टिलिटी दवाएं या अन्य हार्मोन आधारित दवाएं परिणाम को प्रभावित कर सकती है तीन मेडिकल कंडीशन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पी किडनी की समस्याएं या कुछ प्रकार के कैंसर एच स्तर को बदल सकते हैं चार किट का सही इस्तेमाल गलत स्टोरेज या एक्सपायर्ड किट से परिणाम गलत हो सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़ी सावधानियां और टिप्स सटीक परिणाम के लिए पीरियड मिस होने के साथ दस दिन बाद सुबह का पहला पेशाब इस्तेमाल करें दो बार परीक्षण करें अगर पहली बार परिणाम अस्पष्ट हो तो दो तीन दिन बाद दोबारा टेस्ट करें डॉक्टर की सलाह लें अगर संदेह हो तो ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर से संपर्क करें मानसिक रूप से तैयार रहे किसी भी परिणाम के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम पर क्या करें? यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है उसके बाद आगे के कदम आपको ऐसे उठाने चाहिए जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें फोलिक एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन शुरू करें। शराब धूम्रपान और कैफीन से बचें। नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त दिनचर्या अपनाएं। नकारात्मक नेगेटिव जो परिणाम पर क्या करें? अगर टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन पीरियड्स मिस हो रहे हैं, तो यह कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है इस सिचुएशन में आपको क्या कदम उठाने हैं ये देख लो तीन पाँच दिन बाद टेस्ट दोहराए डॉक्टर ऐसी परामर्श लें अनियमित मासिक चक्र या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करें गर्भावस्था परीक्षण के अन्य विकल्प एक ब्लड टेस्ट रक्त परीक्षण यह पेशाब परीक्षण की तुलना में ज्यादा सटीक है एच के स्तर को मापा जाता है डॉक्टर द्वारा किया जाता है दो अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था की पुष्टि के लिए शुरुआती हफ्तों में अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है भ्रूण के विकास की जानकारी देता है अब आपको बताते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट से जुड़े आम मिथक क्या है और उनका सच क्या है मिथक एथ केवल पॉजिटिव टेस्ट का मतलब गर्भावस्था है सत्य पॉजिटिव परिणाम अन्य मेडिकल स्थितियों के कारण भी हो सकता है मिथक दो नेगेटिव परिणाम का मतलब गर्भावस्था नहीं है सत्य कभी कभी टेस्ट समय से पहले करने पर नेगेटिव परिणाम आता है मिथक तीन टेस्ट केवल सुबह करना चाहिए सत्य सुबह का पेशाब अधिक सटीक होता है लेकिन दिन में भी टेस्ट किया जा सकता है अंत में दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें जान लो प्रेगनेंसी टेस्ट एक आसान और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लेकिन इसे सही तरीके और सही समय पर करना जरूरी है अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो डॉक्टर से संपर्क करें नेगेटिव परिणाम पर भी सावधानी बरतें और अगर संदेह हो तो मेडिकल परामर्श लें अपने शरीर के संकेतों को समझें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस जानकारी से आपको गर्भावस्था परीक्षण और इसके परिणामों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।